Good morning friends, myself Kedar Badeka, and today I am taking your 29th lecture of Basics of Industrial Engineering. So in the previous series of the lecture, we continues the discussions or the some of the industrial legislations. In the past series of the lectures, we also try to understand the various legislations like the Payment of the Wages Act, Factory Act, Safety Act, right? So it is the continuations lectures of the industrial legislations chapters, and in today's lecture we try to understand the another three industrial legislations, and our maximum effort is very close to complete these chapters in these video lectures. So let's start the discussions over the another legislations which is used for the industries, which is about the Workmen Compensations Act 1923. So ye jo act hai wo Workmen ka Compensations Act hai 1923 ke andar jo hai ye developed hua tha. So iske bare mein thoda discussions karne ki koshish karte hain. Introductions. A beginning of the social security in India was the passing of the Workmen's Compensations Act in 1923. तो एक तरीके से ये सोशल सिक्योरिटी के बारे में है इंडिया के अंदर. ये एक्ट 1923 के अंदर डेवलप्ड हुआ था. इन 1921 द गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटेड सम ऑफ द प्रपोजल्स फॉर द ग्रांट फॉर द कंपेंसेशंस एंड द सर्क्यूलेटेड देम फॉर द ओपिनियन. 21 के अंदर गवर्नमेंट में कुछ प्रपोजल जो है वो फॉर्मुलेटेड की, और इसको पब्लिक के ओपिनियन के लिए, कंपेंसेशंस के लिए जो है वो उन्होंने भेजा. द प्रपोजल विच इज़ रिसीव्ड विच इज़ इन द जनरल सपोर्ट. एज अ रिजल्ट द वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट वाज पास्ड इन द 1923 मार्च एंड वाज पुट इन टू द फोर्स फ्रॉम द जुलाई 1st 1924. सो पहले जुलाई से 1924 से जो है ये जो है वो वर्किंग कंडीशंस में आ गया. सब्सिक्वेंटली देयर वेर अ नंबर ऑफ एमेंडमेंट वाज ऐड टू बी द एक्ट. इसके बाद काफ़ी सारे जो एमेंडमेंट्स हैं वो एक्ट के अंदर आए. तो पार्शल कुछ जो है वो पार्शल एमेंडमेंट जो है वो एक्ट के तौर पे आए. पार्शली इट इज़ द डिसअसेंबल्ड द ऑक्यूपेशनल डिसीज और एम्प्लॉयर एज अ स्टेट इन द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923. सो व्हाट इज द डिसेबलमेंट्स. द डिसेबलमेंट्स मीन्स द लॉस ऑफ कैपेसिटीज टू वर्क टू परफॉर्म. आपके पास जो है डिसेबलमेंट विच इज मीन्स ऑफ ए लॉस ऑफ कैपेसिटी. आपके पास कम है कैपेसिटी टू द वर्क और टू परफॉर्म. आपके पास काम करने के लिए जो है वो आपके पास वर्कफोर्स कम है. इन द केस ऑफ द वर्कमैन द लॉस ऑफ कैपेसिटी विच इज रिजल्ट्स इनटू द रिडक्शंस इन द अर्निंग कैपेसिटी. ये एक तरीके से आपकी अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करेगा. द कंपेंसेशन इज अकॉर्डिंगली गिवन टू द वर्कमैन्स टू कंपेंसेट हीज एंड हर्स लॉसेस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी. तो ये इसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है उसके कंपेंसेशंस में उसको एज ए अर्निंग कैपेसिटी के अगेंस्ट में दिया जाता है. द एक्ट विच इज रेकोगनाइज द टू टाइप्स ऑफ द डिसएबलमेंट्स. द फर्स्ट विच इज द टू टाइप ऑफ द डिसएबलमेंट्स विच इज अ पार्शियल डिसएबलमेंट्स एंड द टोटल डिसएबलमेंट्स. सो व्हाट इज अबाउट द फर्स्ट विच इज द पार्शियल डिसएबलमेंट्स. एज पर द सेक्शन 2G the partial disablement means a where a disablement is of a temporary natures in of jo jahan pe disablements jo hai wo temporary natures ke andar hai. such as a disablement as reduce the earning capacity of the workman in the employments in which he has engaged at the time of the accident which is resulting in the disablements. तो ये एक तरीके से ऐसे टेम्पररी जो है नेचर के अंदर है जहाँ पे द सच डिसएबलमेंट्स एज रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कमैन. जहाँ पे ऐसे डिसएबलमेंट के अंदर जहाँ पे
एक वर्कमैन की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है इन द एम्प्लॉयमेंट्स इन विच ही हैज़ एंगेज्ड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जब उसके साथ कुछ एक्सीडेंट्स होता है विच इज़ रिजल्टिंग इन द डिसएबलमेंट्स, वो डिसेबल हो जाता है, राइट। वेयर द डिसएबलमेंट इज़ ऑफ द परमानेंट इन द नेचर, जहाँ पे डिसेबल जो परमानेंटली डिसेबल हो जाए, सच डिसएबलमेंट एज रिड्यूस हिज अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही हैज़ कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट दैट टाइम। द पार्शल डिसएबलमेंट्स इज प्रोवाइडेड दैट एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन द पार्ट टू ऑफ द शेड्यूल वन शैल बी डिम्ड टू रिजल्ट इन ए परमानेंट पार्शल डिसएबलमेंट्स। अब सेकेंड विच इज अबाउट द ऑक्यूपेशनल डिसीज, सेक्शन 3 ऑफ द पैरा 2 इज प्रोवाइड दैट इफ ए वर्कमैन इज एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट इज एंगेज्ड इन एन ऑक्यूपेशनल, जहां पे वो काम कर रहा है, राइट, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा उसको काम मिला है, एम्प्लॉय के द्वारा, वेर ही इज एक्सपोज टू सर्टेन स्पेसिफिक डिसीज, जहाँ पे उसके साथ कुछ हो जाता है, कुछ सर्टेन डिसीज हो जाते हैं, द इनहेरेंट टू सेड द ऑक्यूपेशनल्स, जहाँ पे उसको काम के वक्त पे कुछ हुआ, द एम्प्लॉयर शेल बी लायबल्स टू पे द कंपेंसेशन, उस कंडीशंस के अंदर जो है वो अपने कंपेंसेशंस के लिए जो है वो लायबल है एम्प्लॉयर। The section 2E is defined the employer to include anybody of the persons whether incorporated or not and any managing agents of an employer and a legal representative of a deceased employees and when a service of a workmen's are temporarily lent or let on hire to the another person by with whom the worker has entered into a contract of the service and apprenticeship means such other person while a workman is working for him. A contractor is shall be included in the definitions of the employer. Similarly, a general manager of the railway is an employee. राइट तो इसी तरीके से जो जनरल मैनेजर होते हैं रेलवे के वो एक एम्प्लॉई है। द एम्प्लॉईज लायबिलिटी फॉर द कंपेंसेशन अंडर द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 सेक्शन 3 इज मेक एन एम्प्लॉयर इज लायबल्स टू पे द कंपेंसेशन टू द वर्कमैन इन द टू कंडीशंस फॉर फर्स्ट विच इज फॉर एनी the personal injury which is caused by him by the accident, जो ऐसी कुछ personal injury होती है which is caused by him, उसके साथ होते due to the accidents, for any occupational diseases which is contracted by him, कोई ऐसे कुछ occupational disease उसके साथ हो जाता है जब वो contracted था उसके साथ तब, the personal injuries caused by the accident is section 3 is provide that if a personal injury is caused to a workman by the accident which is arising out of and on a course of his employment, his employer shall be liable to pay the compensations. To usko compensation dena padega us wajah se. Thus, the following condition is needs to be fulfilled to render an employer is liable to pay the compensation. The first, a workman is should have been caused the personal injury. उसको personal injury हुई चाहिए. Such personal injury is should have been caused by an accident. वो accident की through हुई अगर होती है तो. The accident is should be have take place out of and in the course of the employments. The accident is should be taken. राइट अगर एक्सीडेंट जो है उस शुड बी टेकन इट्स प्लेस आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो वर्किंग जगह पे जो है वो हुआ है. सो व्हाट इज अ पर्सनल इंजरी, द इंजरी मींस द
damaged course to a workman's by the result of some accidents, and employer is made liable to pay the compensations to the workman for the injuries. The injury is must be physical or the mental injuries, or even the physiologicals and a physiological injuries, psychological or the physiological injuries. It is also the essentials that the injury is must be the personal, a personal injury honi chahiye. An injury is caused to someone's equipments, the workman's, or injuries to belongings to the workman is shall not be covered under the expenses expressions of the personal injury. Thus, where a workman in the course of his duties had to frequently enters into a heated room and from there to a cool room, and in these moments he contracted the pneumonia and died. The death was held to be the personal injury, right? एक example के साथ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसी conditions कि जहाँ पर एक जो बारी बारी ऐसा कुछ आपके साथ होता है कि एक बंदा जो है वो instantly बहुत ठंडे room के अंदर आता है, फिर गर्म room के अंदर आता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर फ्रिक्वेंटली उसका आना जाना रहता है, उसको सपोज न्यूमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उसकी डेथ को जो है वो पर्सनल इंजरी जो है वो गिना जाएगा. द एक्सीडेंट विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ एंड हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, द एक्सप्रेशंस आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज एम्प्लाइज अ कैजुअल कनेक्शंस बिटवीन द एक्सीडेंट्स एंड द एम्प्लॉयमेंट्स. द एम्प्लॉयमेंट इज शुड बी द डिस्ट्रक्टिव्स एंड the proximates caused of the personal injuries, whether the physical or the mentals, a caused a remotes to the employments cannot be take or make the employers liable for the compensations. In Dennis V. Shine, it was leads down that when a man is run a risk or the incidentals to his employment and is hereby it's injured, then the injury which is arise out of the employments. Thus, in order to prove that the injuries arose the out of employments, there are the two conditions is must be fulfilled. The first is the injury is must have resulted from some risk incidental and to the duties of the inherents in the nature or the conditions of the employments. Second, at the time of the injury, the worker is must have been engaged to the business of the employers and must not doing something for his personal advantages or the benefits. If the worker does something which from its nature is outside the scope of his employments, he take upon himself and added a risk and is not which is entitled to the compensations. So what is the summaries of the Workmen Compensations Act? The act which is implies to the railways and a personal employed in a factories, mines, plant stations, mechanically propelled vehicles, constructions works and a certain other hazardous occupations. There is no wage limits for the covered under the Act. The Act, however, is not applicable to the persons who are covered under the employees. State Insurance Act 1948 के जो State Employees है जिस जो एक Insurance Act के अंदर आते हैं State Act के अंदर 1914 ESI के अंदर उसके ऊपर ये लागू नहीं पड़ेगा. It is the administrations by the respective state governments and union territory administrations. जो एक state या फिर union territory administrations के द्वारा जो है ये handle होता है. So ये जो था वो Workmen Compensations Act था. Next act which is about the payment of the bonus act 1965. ये जो act है ये
दूसरा एक्ट है जो हमें आज स्टडी करना है, विच इज़ द पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट। बोनस एक्ट के बारे में 1965। सो एप्लीकेबल्स टू, इसकी एप्लीकेबिलिटीज कहाँ पे है, कौन इसको एप्लीकेबल करता है। इट इज़ एक्ट टू एम्प्लाइज टू द एवरी फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्रीज के अंदर एंड एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट्स इन विच 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड्स, जहाँ पे 20 और 20 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हो। और मैं डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिन्होंने एक साल से जो जिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 20 या 20 से ज़्यादा लोग जहाँ पे काम करते हैं, ऐसी जगह पे ये एक्ट एप्लीकेबल्स है। द एस्टेब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग्स एंड द ब्रांचेस वेयर एन एस्टेब्लिशमेंट्स इज कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और द अंडरटेकिंग्स और हैज द ब्रांचेस वेदर सिचुएटेड इन सम प्लेस और इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल सच डिपार्टमेंट्स और अंडरटेकिंग्स और अ ब्रांचेस इज शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर सेम पर्पज ऑफ द कंप्यूटेशंस ऑफ द बोनस विच इज प्रोवाइडेड दैट वेयर फॉर मैनी अकाउंटिंग ईयर्स ए सेपरेट बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट of any such departments or undertakings or the branches, then such departments or the undertakings or the branches is shall be treated as a separate establishments for the purpose of the computationals of the bonus for that years. तो ये individual के लिए, department के लिए और branches के लिए ऐसे categories के अंदर जो एक साल के लिए उसका एक पूरा जो है वो बैलेंस शीट बनती है और इस हिसाब से डिपार्टमेंट ब्रांचेस इंडिविजुअल्स को जो है वो बोनस प्रेफर दिया जाता है। हाउएवर द एम्प्लॉयज ऑफ द LICs, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, RBI, IFCIs, UTIs, द सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एंटाइटल्स टू द बोनस अंडर दिस एक्ट। ऐसे सारे जो है वो बोनस एक्ट के अंदर ऐसे सारे ऑक्यूपेशंस आते नहीं हैं। सो द पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ द बोनस टू द पर्सन विच इज़ एम्प्लॉयड इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स और द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शंस एंड द प्रोडक्टिविटीज एंड फॉर अ मैटर ऑफ द कनेक्टेड्स दैरविथ। The eligibilities of the bonus: every employee which is receiving a salary or a wages up to ₹10,000, जो भी बंदा जिस organizations में काम कर रहा है वो salary या wages के तौर पे जो है वो per month के हिसाब से 10,000 या उससे ज़्यादा लेता है। And engage in any kind of the work, whether it is skilled work, unskilled work, managerial work, supervisory work, etc. is entails to bonus for every accounting year if he has worked for at least 30 working days in that years. तो जहाँ पे जो बंदा 10,000 और 10,000 से ज़्यादा सैलरी देता है या जो जो स्किल हो, अनस्किल्ड हो, मैनेजरल वर्क करता हो, सुपरवाइजरी वर्क करता हो और एटलीस्ट उन्होंने जो अगर साल में 30 दिन वर्किंग डेज से ज़्यादा काम किया है तो वो बोनस के लिए जो है वो एलिजिबल है। द सैलरी लिमिट विच इज़ अ सेलिंग ऑफ द बोनस वेयर अ सैलरी ऑफ द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज विच इज एग्जिट्स विच इज 10,000 पर मंथ द बोनस विच इज पेबल सच एम्प्लॉय इज शैल बी कैलकुलेटेड इफ हिज सैलरी और वेजेस वेयर ₹10,000 पर मंथ। अ सैलरी और वेजेस means all the remunerations which is other than the remuneration in respect of the overtime works which would be payable to the employee in respect of his employments or a work done in such an employments which is include the dearness allowance but does not include the first about any other allowances which the employee is for a time being entitled into the value of any house accommodations or
सप्लाई ऑफ लाइट्स वाटर्स मेडिकल्स अटेंडेंस और एनी एमिनिटीज और ऑफ एनी सर्विसेज और एनी कंसेशनल सप्लाईज ऑफ द फूड ग्रीन्स एंड अदर आर्टिकल्स एनी ट्रैवलिंग कंसेशंस एनी बोनस विच इज इंक्लूडिंग द इंसेंटिव्स प्रोडक्शंस एंड अटेंडेंस ऑफ द बोनस फिफ्थ विच इज एनी कंट्रीब्यूशन विच इज पेड्स और पेएबल्स बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड्स प्रोविडेंट फंड्स और फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स इसके ऊपर आपको बोनस नहीं मिल सकता है एनी रिट्रेचमेंट्स कंपेंसेशंस और एनी ग्रेचुएटी और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इज पेएबल्स टू द एम्प्लॉयर्स और द एक्स ग्रेचुएटीज पेमेंट्स इज मेड्स टू हिम एनी कमीशंस इज पेएबल्स टू द एम्प्लॉयर्स द कैलकुलेशंस ऑफ द बोनस इज डन As per the follow, the first, which is a calculation which is available surplus. Available surplus is equal to a gross profit minus deduct the following. The depreciations admissible as 32 of the Income Tax Act, the development allowances. The available surplus including the deduction is like the direct taxes payable for accounting a year the calculated which is as per the section 7 minus sum of a specified in a third schedules a direct taxes which is calculated as per the section 7 in respect of gross profit for the immediately preceding accounting years now The third act of our today's lecture, which is about the Employers Provident Fund Act 1952. तो ये जो act है वो आज का हमारे lecture का last act है इस chapter का, which is about the Provident Fund Act. So let's start the discussions over it. So the Employees Provident Fund Act 1942 is applying the Employer Provident Fund 1952 is covers the employer's roles and responsibilities, employee roles and responsibilities, the employee's pension scheme 1995, the employee deposits and a linked insurance schemes EDLI 1976 and the list of the forms. First starts with the introductions. A salary which is consists of the two parts, the earnings and deductions. सैलरी के अंदर हमेशा जो है वो दो पार्ट्स रहते हैं आपके जो फर्स्ट होता है वो आपका अर्निंग्स होता है एंड सेकंड आपका होता है डिडक्शंस होता है द प्रोविडेंट फंड इज वन प्रोविडेंट फंड जो है वो ये है इज वन द स्टैट्यूटरी डिडक्शंस डन बाय द एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड जो है वो आपके सैलरी में से जो एक स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होता है एम्प्लॉयर के द्वारा एट द टाइम ऑफ द सैलरी पेमेंट जब सैलरी आपकी होती है उस टाइम पे एक स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होता है वो प्रोविडेंट फंड है द प्रोविडेंट फंड इज गवर्न बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1942 वो जो है वो इस फंड को जो है वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 के तहत उसको चलाया जाता है इट्स इंट्रोडक्शन इज अबाउट द प्रोविडेंट फंड हैज comes into force to give a better futures of the employees on their retirement and his dependents in the case of his death during the employments to iske retirement ya fir uski death ki conditions ke andar uske piche wale jo family members hai isko ek acha support mil sake isliye isko banaya gaya tha the employees provident fund act 1952 is a compulsory contribution fund इसके कंपलसरी इसमें कंट्रीब्यूशंस होता है फॉर द फ्यूचर ऑफ एन एम्प्लॉयज आफ्टर द रिटायरमेंट और फॉर हिज डिपेंडेंट इन केस ऑफ हिज अर्ली डेथ द एक्ट इज एप्लीकेबल्स टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडियाज एक्सेप्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू और कश्मीर सब मिला के सब स्टेट के अंदर ये एप्लीकेबल है एप्लीकेशंस एवरी इंडस्ट्रीज विच इज एम्प्लॉइंग द 10 और मोर देन पर्सन्स जिस इंडस्ट्रीज के अंदर 10 और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हैं द इंडस्ट्रीज 180 इंडस्ट्रीज आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल वन एक्ट एवरी इंडस्ट्री विच इज एम्प्लॉइंग अ 10 और मोर पर्सन्स विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाइज
जिसके अंदर 10 से और 10 से ज़्यादा बंदे काम करते हैं वो सारे इसके अंदर एप्लीकेबल्स हैं. एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ नोटिफाइड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट इवन इफ एम्प्लॉइंग विच इज़ लेस देन 10%. तो जहाँ पे 10 से ज़्यादा है वहाँ पे भी एक प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है. इसके एलिजिबिलिटीज एंड द एंटाइटलमेंट्स, एवरी एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर हु इज इन द रिसिप्ट ऑफ द वेजेस आर एलिजिबल्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ द फंड. एक्सेप्शंस विच इज एप्रिशिएशंस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, कैजुअल लेबरेटर्स. Irrespective of the permanents or the probationary employees, all employees are eligible for joining the PF scheme from the date of joining of the service. Minimum 10% of his basic pay for establishment employed less than the 10 persons. A Sikh industries which is declared the necessary authorities like the Jute, BD, Bricks, Coil, Goes, Industries, Factories. Other industries which is maximum 12% of the basic pay. A member can contribute the voluntary more than statutories. Members जो है voluntary उसकी statutories से ज़्यादा दे सकते हैं, which is prescribed rate which is up to the 100% of the basic salary which may be transferred to his PF accounts. Calculation. A 12% of the contributions by the employee as a direct transfer to his provident fund accounts, 12% of the contributions of the employer, out of which the 8.33% is directly credited to the employee pension funds and the balance 3.67% is transferred to the PF accounts of the employees. इस तरीके से ये 8.33 और 3.67% मिला के इसको मैनेज किया जाता है. द 1.10% विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन द टोटल वेजेस आर पेबल बाय द एम्प्लॉयर्स. 0.50% विच इज़ द EDLI इज कैलकुलेटेड द टोटल EDI स्लैब विच इज़ ₹6,500 वेजेस एंड द पेबल्स टू द एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स द EDI फंड. The 0.01% EDL administration charges calculated on a total EDL slabs wages are payable by the employers. Benefits. So the employees can take the advances, withdrawals of the PF in case of the retirements, medical cares, housing, family obligations, educations of the children's and the financings of the life insurance policies. ये इस conditions के ऊपर इसको जल्दी उठा सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं. Up to the 90% of the PF amount is can be withdrawn at the age of the 54 years or before the 1 year of the actual retirement. आप जो है आपकी एज के 54 ईयर के ऊपर या फिर रिटायरमेंट के एज के एक साल पहले आप उसका 90% हिस्सा जो है वो निकाल सकते हैं. The PF amount is decreased a members is payables to the nominees and legal has. D. Immediate income tax exemptions under the 80 section 80CIT Act are equal contributions by the employers. The interest rate is usually higher than the prevailing market rates. The PF account is can be transferred if any member is changes from one establishment to other where a PF scheme is applicable and it is a totally tax-free returns. Interest. The interest is credited to the members' PF accounts on a monthly running balance. The interest rate is fixed by the central governments in a consultations with a central board of the trustees of the EEPF every year during the March and April. The present rate is of the interest is 8.5%. Then the nominations. The member can nominate the other person or the persons to receive the fund amount in their event of his death. इसकी death की conditions में उसको इतना पैसा मिल सकता है. तो nomination detail is provided by the members are maintained at the regional provident fund office for the use in their event of the death of that members.
what is the roles and responsibility? Monthly returns. So the monthly return, the filling of the monthly PF returns by the EPFO within the 15 days of the close of its month. The provide a list of the new employee which is joined in the establishments during the preceding month and are qualified to become a member of the fund form 5. Provide a list of the employees during the preceding month form 10. Employer it should be file a nil returns if there is a no new employees or no employees leaving the service during the preceding months. The provide the total number of the members last month, new members joins and exciting existing members is resigns in the preceding months, and the total number of the presents subscribes to the funds. So this is all about the Employers Provident Funds Act 1952. यहाँ पे आपका ये इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है. आज के लेक्चर के अंदर हमने तीन एक्ट को स्टडी करने की कोशिश की. अगर आपको इस लेक्चर्स के अंदर कोई डिफ़िकल्टीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको इसको अपना जो आपका एनरोलमेंट नंबर है उसको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स.